हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं परमिंदर आपके चैनल पे आज आपके लेके आया हूँ 152 गज में बनी हुआ 4 BHK इंडिपेंडेंट हाउस, ईस्ट फेसिंग, 30 फीट वाइड रोड पे, प्राइम लोकेशन पे। अगर आप इस लोकेशन देखें, इस साइड देखें, तो प्रॉपर सारे ही फैमिलियाँ रह रही हैं, सारे घर बने हुए हैं जी, और डेवलप्ड एरिया में जी हमारा घर रहने वाला। अगर आप इस साइड देखें तो गली हमारी बंद हो जाती है जी, तो कोई आवाजाही नहीं रहने वाली। ईस्ट फेसिंग हमारा घर रहने वाला है, 152 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ और बिल्कुल पार्क के साथ। अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा घर है बिल्कुल पार्क से सेकंड रो आ जाती है। अगर आप इस साइड से देख पाए तो बैक साइड हमें जो है पार्क दिख जाएगा, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है जी। तो ईस्ट फेसिंग हमारा घर रहने वाला है। इसमें कि आप इसका फ्रंट एलिवेशन देखें तो प्रॉपर हमने जो है टाइल वर्क, ग्रे कलर का टाइल वर्क लगाया हुआ है जी। एलईडी लाइट सारी लगी हुई, प्लांटिंग हमने ऑलरेडी लगा दी है जी, जिससे कि बहुत ही प्यारा जो हमारा फ्रंट एलिवेशन बन जाता है जी। जिसमें अगर मैं इसकी कार पार्किंग की बात करूं तो हमने जो है देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने जो है स्लाइडिंग बरम रखी गई है, एंटी स्किड जो है, नीचे टाइल्स लगा रखी है हार्ड वाली, तो दो गाड़ियां आराम से हम बाहर पार्क हो जाएंगी और एक गाड़ी हमारी 7 सीटर अंदर पार्क हो जाएगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मैं अपनी मेन एंट्री की बात करूं तो आप इसका मेन गेट देखें, तो आयरन का हमने जो हैवी आयरन का जो है गेट लगाया गया है, जिसमें कि जो स्लाइडिंग रहने वाला, स्लाइडिंग में हमारा जो है आराम से, अगर बाहर भी हमारी गाड़ी उस साइड खड़ी हुई है तो फिर भी हम स्लाइडिंग का बेनिफिट हो जाता है, आराम से हम गाड़ी जो है पार्क कर सकते हैं। इस साइड हमारे पास मिल जाती है जी 2 व्हीलर की पार्किंग, और इस साइड प्रॉपर जो है हमारे पास 7 सीटर भी गाड़ी है, तो आराम से हम जो है पार्क कर सकते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं मोटर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है जी। अगर मैं मेन डोर की बात करूं तो डबल जाली वाला हमारा जो है मेन डोर रहने वाला है, जाली वाला। उसके अलावा जो इसका मेन डोर रहने वाला वो स्मार्ट लॉक के साथ इंक्लूडिंग हमें मिलने वाला है। ये 152 स्क्वायर यार्ड अपनी जो है जगह हो जाती है, और उसके अलावा 4 BHK हमारा घर रहने वाला ईस्ट फेसिंग, सेक्टर 125, सन इनक्लेव, मोहाली में। जब हम एंटर करते हैं लेफ्ट साइड हमारा लिविंग एरिया आएगा, और इस लेफ्ट साइड से इस साइड को हमारा आ जाता है जी ड्राइंग एरिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर हमने जो है ड्राइंग एरिया सेपरेट रखा गया है, इसका लेआउट काफी अच्छा मिल जाता है, तो प्रॉपर सेपरेट हमारा जो है, तो ड्राइंग एरिया जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर हमारे पास सेपरेट स्पेस मिल जाती है, और उसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन हमने काफी प्यारा रखा है जी। और हमने अगर 10 सीटर, 12 सीटर भी अगर हम यहाँ पे सोफा सेट लगाना चाहें तो आराम से लग जाएगा, इनफ हमारे पास स्पेस बच जाती है। नीचे हमने जो है डार्क कलर जो है टाइल्स लगाई गई हैं, मार्बल टाइप जो है टाइल्स लगाई गई हैं, वॉल पे वॉलपेपर आ जाएगा। एसी की जो है फिटिंग्स हमने सारी कर रखी है जी। ऊपर फॉल सीलिंग में भी हमने जो है डिजाइन किया गया है सारा वुडन के साथ, जो डार्क वुड कलर होता है उसका हमने जो है कलर कॉम्बिनेशन रखा है, जिसमें कि हमने जो है डाइनिंग और ड्राइंग को सेपरेट किया है जी। तो जैसे कि हम इस साइड आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉकरी यूनिट आ जाती है, क्रॉकरी की स्पेस आ जाती है, जिसमें कि आपने देखा ब्लैक हमने जो है मिरर्स लगा रखे हैं, अंदर अभी थोड़ी बहुत फिनिशिंग रहती है इंस्टॉल होने। यहाँ पे मार्बल लगा के हमने जो है कनेक्शन दिया है, यहाँ पे डाइनिंग की स्पेस आ जाती है। 6 सीटर आराम से हमारा जो है डाइनिंग सेट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर एलईडी ऊपर लाइट्स देखें तो बहुत ही बढ़िया जो है हमारे पास लाइट्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अगर आप इस साइड किचन देखें तो बहुत ही प्यारी जो है हमारी ओपन स्पेस किचन हमें मिल जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो व्यू है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है जी। अगर इस साइड देखें, यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से छोटा सा हमारे पास ब्रेकफास्ट का काउंटर आ जाता है, यहाँ पे जो है स्पेस मिल जाती है। ऊपर हमने जो एक गेट टाइप जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं किचन की बात करूं तो हमने ब्लैक व्हाइट मार्बल के साथ कॉम्बिनेशन किया है। ऊपर जो हमारी मार्बल की स्लैब आ जाती है, कैबिनेट्स हमारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऊपर हाइड्रोलिक मिल जाएंगे, जिसमें कि मैट सरमाइका हमने यूज किया है, ग्लास वाले हाइड्रोलिक मिल जाएंगे। नीचे हमने जो है एलईडी लाइट्स लगा रखी हैं। सारी घर में जो है हमारे पास जैक्सेरा की फिटिंग्स रहने वाली, साउंड प्रूफ सिंक रहेगा, ट्रे इंस्टॉल है, और बाहर की जो है हमारे पास एंट्रेंस हमें दिख जाती है जी। यहाँ पे आ जाती है जी हमारे पास पेंट्री की स्पेस, और प्रॉपर हमारी जो है किचन बन जाती है।
अगर मैं बेडरूम्स की बात करूं तो बहुत ही अच्छे साइज के साथ जो है हमारे बेडरूम्स हमें मिलने वाले, 12 बाई 14 के डायमेंशन के साथ हमारा बेडरूम्स रहने वाले हैं, जिसमें कि आप इसकी वॉल देखें, हमने इसमें वॉलपेपर नहीं लगाया, वुडन की जो है पैनलिंग लगा रखी है। बैक साइड जो हमारी बैक होती है बेड की, वो ऑलरेडी हमने लगा दी है लेदर के साथ। वार्डरोब्स की बात करूं तो सॉफ्ट क्लोजर्स वाले हमारे जो है स्लाइडिंग में वार्डरोब्स रहने वाले हैं। नीचे हमने जो है शू रैक की स्पेस दे रखी है, और नीचे से हमने जो है इसमें स्पेस के साथ बनाया है, किसी भी तरह की हमें दिक्कत ना आए। अगर एलईडी पैनल देखें तो इसमें वुडन वाला हमें जो है फुल हाइट तक रखा गया है जी। अगर वॉशरूम बताऊं तो आप देखें तो काफी अच्छी जो है हमारे पास स्पेस मिल जाती है वॉशरूम में। टाइल कॉम्बिनेशन काफी प्यारा आ जाता है ग्रे कलर में। वैनिटी इंक्लूडिंग रहने वाली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वैनिटी रहेगी, और सारा की फिटिंग रहेगी। लुकिंग ग्लास इंस्टॉल है, वॉल माउंटेड सीट आ जाती है जी। इस रूम से कनेक्टिविटी मिल जाती है हमें बैक साइड वॉशिंग एरिया में, जिसमें मैश डोर, इसमें भी डबल जाली वाला आ जाएगा, और ईस्ट फेसिंग हमारा ये घर रहने वाला है, तो ये काफी हमें बेनिफिट मिल जाता है। मैक्सिमम फैमिलीज की डिमांड होती है कि हमें ईस्ट फेसिंग घर चाहिए, तो ये बहुत ही आपके लिए जो घर है वो बहुत ही प्यारी ऑप्शन रहने वाली। तो अब हम पहुंच चुके हैं जी अपने सेकंड बेडरूम में, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि सेकंड बेडरूम का हमारा थोड़ा सा थीम हमने चेंज किया है। इसमें जो आप वुडन की यहाँ पे पैनलिंग देखें वो बहुत ही प्यारी लग रही है जी, और फुल हमने जो है लेदर लगा रखी है बैक साइड पे। इसका जो हमने कलर कॉम्बिनेशन रखा है इस साइड एलईडी पैनल और पैनलिंग के साथ, जिसमें कि आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा है जी। और एलईडी पैनल का जो सरमाइका यूज किया है वो मार्बल टाइप हमने सरमाइका इसका यूज किया। अगर इसकी आप कॉम्बिनेशन देखें तो सेम हमने जो है वार्डरोब्स में यूज किया है, ये ग्लोसी अपना मार्बल टाइप सरमाइका हमने यूज किया है, जिसका कि एलईडी पैनल के साथ कलर कॉम्बिनेशन है। और जो हमारा बेडरूम का जो हमें बैक साइड लेदर है उसकी हमने कॉम्बिनेशन रखा है जी वॉशरूम की टाइल्स के साथ। अगर इसका वॉशरूम की टाइल्स देखें तो वो काफी प्यारी हमने जो है यूज की है जी। वॉशरूम की टाइल 2 बाई 4 की फुल वॉल तो रहने वाली है। यहाँ पे दोनों वॉशरूम में जो है हमने स्पेस दे रखी कुछ अपनी सामान वगैरह रखने की, बाकी कॉर्नर शेड तो यहाँ पे आ ही जाएगा। उसके अलावा लुकिंग ग्लास हमारा इस साइड रहेगा, वैनिटी रहेगी, VW सीट वॉल माउंटेड रहने वाली। जितनी भी हमने फिटिंग्स यूज की हैं घर के अंदर वो सारी ही सैनिटरी फिटिंग जो है वो सहरा की रहने वाली है। अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो सारे गोल्ड मेडल के स्विचेस रहने वाले हैं। बाहर से इसकी स्टेयर चढ़ती हैं कि अपना रेंट आउट करना हो तो आराम से हम जो है रेंट आउट कर सकते हैं। बाहर काफी अच्छी हमारे पास कार पार्किंग की स्पेस मिल रही है। स्टेयर्स के अंदर जो है मार्बल हमें देखने को मिल जाएगा, और स्टील की रेलिंग मिल जाएगी स्टेयर्स के अंदर, और फ्रंट पे हमारे पास जो रेलिंग रहेगी वो ग्लास प्लस अपनी स्टील की रहेगी। अगर मैं इसकी बालकनी की बात करूँ, काफी अच्छी स्पेस के साथ जो हमारी बालकनी रहने वाली है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं सामने वाली रो में हमारा आ जाता है जी पार्क एरिया, गली हमारी बंद आ जाती है, इंटरलॉकिंग लगी हुई है, सारी फैमिली जो है रिजाइड कर रही है जी। प्रॉपर हमारा 4 BHK जो है घर रहने वाला है। जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है राइट साइड पे मिल जाती है जी किचन, इसमें कि ओपन जो है प्रॉपर हमने यहाँ पे किचन बना रखी है। यहाँ पे हमारा जो है अगर हमने सोफा लगाना हो तो स्ट्रेट करके सोफा या डाइनिंग आ जाएगा, और ये आ जाता है जी हमारा फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का, जिसमें कि टाइल्स कॉम्बिनेशन और वॉलपेपर कॉम्बिनेशन कंबाइन किया हमने, और बड़ी विंडो बनाई हुई है जी एल शेप में, जिसमें ये वेंटिलेशन की हो जाती है और ये एयर वेंटिलेशन की हो जाती है। और इसका वॉशरूम का साइज देखें तो काफी अच्छा स्पीशियस हमें मिल जाता है जी। अब एक बार साइज देखें तो काफी प्यारा जो है हमें वॉशरूम का साइज मिल जाता है। 152 स्क्वेयर यार्ड में बना हुआ 4 BHK ईस्ट फेसिंग इंडिपेंडेंट हाउस ये रहने वाला है, सेक्टर 125 सनी इनक्लेव मोहाली में। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 1 करोड़ 15 लाख हमने इसका डिमांडिंग प्राइस रखा है, बिल्कुल हम पहले रिवील कर रहे हैं जी। तो प्लीज अपनी वीडियो को लाइक शेयर
और अपना जो है लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ग्रे कलर का जो हमने यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब्स लगा रखे हैं, और साथ में ही अपना जो है एलईडी पैनल, हर एक रूम में एलईडी पैनल, वॉलपेपर और वार्डरोब ड्रेसिंग इंक्लूडिंग रहने वाला है। वॉशरूम में सहरा की फिटिंग और जो है वैनिटी इंक्लूडिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फ्लोर पे जो है अपना रूफ एरिया दिया है, जैसे कि हमने और छत पे जाना हो तो उसके लिए हमने जो है यहाँ से प्रोविजन बना रखा है जी, जिसमें कि नीचे आपने देख पा रहे हैं एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई हैं, आयरन की स्टेयर चढ़ती हैं जी बैक साइड से, और पीछे भी अगर आप देखें तो हाफ में हमारा जो है प्लॉट रहने वाला, तो बैक साइड भी हमारी गली रहने वाली, इस साइड जो है हमारा प्लॉट आ जाता है। सेक्टर 125 सनी इनक्लेव मोहाली में जी हमें घर मिलने वाला है, बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में, ईस्ट फेसिंग। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।